क्वेश्चन नंबर 20 समीकरण दिया है 3a² x² प्लस का 8ab x प्लस का 4b² बराबर 0 को गुणनखंड विधि द्वारा हल करने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे 3a² x² प्लस का 8ab है ना, तो एक काम करते हैं यहाँ पर प्लस का 6ab और प्लस का 6abx कर देते हैं और प्लस का 2abx कर देते हैं। देखो 8 हो जाएगा और गुना होगा तो इन दोनों के गुणनफल के बराबर हो जाएगा, है ना जी। या दो दो को मैं कॉमन करते हैं, 3ax कॉमन करते हैं, यहाँ पे बच जाएगा आपका एक a और एक x प्लस, यहाँ पे क्या बचेगा 3 2 6 और a निकल गया, b बच जाएगा, x भी निकल चुका है, प्लस यहाँ से कॉमन हो जाएगा 2b, तो ए एक्स बचेगा और प्लस का 2b बच जाएगा। दोनों ब्रैकेट में सेम है, कॉमन कर लेते हैं, ए एक्स प्लस का 2b कॉमन हो जाएगा, तो 3ax प्लस का 2b बराबर में 0 हो जाएगा। अलग अलग कर दो, ए एक्स प्लस का 2b इक्वल टू में 0 और 3ax प्लस का 2b इक्वल टू में 0। यहाँ से देखो ए एक्स इक्वल टू में माइनस का 2b, यानी x इक्वल टू में आ जाएगा माइनस का 2b बाई में a, और यहाँ से देखिए 3ax इक्वल टू में माइनस का ab, यानी कि आ जाएगा x इक्वल टू में माइनस का 2b बाई में 3a, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।